हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन देखिए एस एस सी रीजनिंग एम पी पी एस सी पटवारी एग्जाम किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को वेरी हेल्पफुल रहने वाला। आइए दोस्तों बड़ी ध्यान से देखिएगा कि 13 से 225 कैसे बना, तो 10 से क्या बनने वाला। अब दोस्तों 13 से 225 बनने का कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, जब नहीं लग रहा है तो इसको देखिए ये क्या चीज़ है। 225 दोस्तों 15 का स्क्वायर, 15 225, तो क्या 13 में अपन 2 प्लस कर सकते हैं, 2 ऐड कर दें तो 13 तो 15 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या इसमें 10 में भी 2 अगर ऐड कर दें तो 10 में 2 कितना हो जाएगा, 12। अगर 12 का स्क्वायर करें तो 144 आ रहे किसी ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन मैच करके अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, 500 से 1500 बीच कितनी संख्या है जो 6 से पूर्ण विभाजित होगी। अब दोस्तों 500 से 1500 के बीच में अगर पूछा है तो इन दोनों का माइनस कर दो, तो 1500 में 500 गए तो कितने बचे, 1000 बचे। 1000 में 6 से डिवाइड करेंगे 6, तो 6 कम 6 4 बचे 40, 6 6 36, फिर 4 बचे फिर 40, 6 6 36, यानी कि 166 संख्या ऐसी जो 6 से विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई दिन 4 वर्ष में 2 गुना तो 16 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, ब्याज चक्रवृद्धि है। देखिए जब चक्रवृद्धि हो तो बिल इस क्वेश्चन है 4 वर्ष में 2 गुना, तो ये 16 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा ये पूछा इसने, कि 2 की कितनी पावर से 16 बना, 4 पावर से 16 बना, इसी 4 का गुणा इस 4 में कर दो, 4 चौक 16 वर्ष में, ये इस राइट आंसर हो जाए 16 वर्ष में वो 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 12 13 14 और x का औसत अगर 13 है तो x का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 प्लस 12 13 प्लस 14 एक्स, इसका औसत कितना दिया इसने, 13। औसत 13 दिया और संख्या कितनी है दोस्तों, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, ये 5 यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ लीजिए दोस्तों, तो 1 ने 2 3 3 6 4 10 किसी पर असलिया 1 2 हासिल इसमें जोड़ें 2 3 4 5, 50 प्लस 1 = 13 5 65। तो 1 = 65 माइनस 50, ये 50 माइनस हो गए, तो 1 = कितना बचा, 15, यानी कि 1 का मान कितना होगा दोस्तों, 15 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 3 लड़कों की औसत आयु क्रमशः 35 वर्ष, उनकी आयु का अनुपात ये दे रखा, तो छोटे लड़के की आयु देखो अनुपात दे रखा, ये उसकी आयु मान लो कि पहले की आयु कितनी है, 3 x हैं, दूसरे की 5 x हैं, अगले की 7 x हैं, और ये होगा 35। अब यहाँ इन सब का औसत दिया यानी कि नीचे 3 आएगा, तो 3 यहाँ गुणा में हो जाएगा, 3 5 8 और 7 15, 35 × 3/15, 3 × 3 = 15, 5 5 = 35, 1 = 7, 7 का गुणा इसमें कर दो, 7 × 21, 21। सबसे छोटे आयु पूछे, सबसे छोटे लड़के की आयु पूछिए, तो छोटे लड़के की आयु 21 वर्ष है। आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए 3 4 8 9 क्वेश्चन मार्क 1 2 7 6, अब देखना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा।
ये देखना है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इनको अगर जोड़ दे देंगे 3, 4, 7, 8, 15 बिल्कुल है क्या, इनको जोड़ दें 2, 7, 9, 6, 15 ये भी 15 बन गया। ऊपर से नीचे गिन लेते हैं 4, 9, 13, 14, 15 ये भी 15 हो गए। 8, 1, 7, 6, 9, 6, 15 जब सभी दूर 15 और तो इसमें भी 15 बनेगा। और 3 और 7, 10 पूरी है कितना हो दोस्तों 5 से ये भी 15 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क कीजिएगा क्या जोड़ेगा अपन 5 इसका राइट आंसर दोस्तों। पटवारी एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है कि ए बी से 3 गुना कार्य कर सकता है, यानी कि ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। तो ए और जो बी है, ए की क्षमता कितनी 3 गुनी, तो बी कितनी है 1। 3 गुनी मतलब इसकी 3 गुना काम कर सकता है, तो एक काम करेगा तो ये 3 काम करेगा, ये सीधा सा इसका अर्थ निकलता है कि ये अगर बी एक काम करता है तो ये कितना काम करेगा 3 काम, क्योंकि इसकी 3 गुनी क्षमता। तो दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर ये ए प्लस बी दोनों कितने दिन में करते हैं 12 दिन में उस काम को करते हैं। अगर दोनों को मिला ले तो उस काम को कितने दिन में करेंगे 12 दिन में करते हैं। तो ए की कार्य क्षमता 1 है, बी की 3 है, अब कुल काम कितने हो गए 12 काम हो गए। अब ये कह रहा है बी अकेला उस काम कितने दिन में करेगा, अब बी अकेला है सीधा सीधा हिसाब लग रहा है कि ए अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 3 का इस 12 में भाग लगाएं तो 4 दिन, ए को लगता है 4 दिन। अब बी को पूछना है तो बी एक दिन में तो एक ही काम करेगा तो इसको लगेगा 12 दिन, बी एक दिन में एक ही काम करता है तो इसको कितने दिन लगते 12 दिन लगते। तो ए ऑप्शन पर मैच करके, ए ऑप्शन पर मैच करके आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आगे होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।